सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। अब गाइस, आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को जाना ऐड फोटो में। गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहां पे मॉडल को ऐड करने के बाद जो है गाइस, मॉडल का जो साइज आपको यहां पे कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है इतना। एंड गाइस इसमें आप सभी को फिर क्या करना है, यहां पे गाइस आप लोगों को एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है यहां पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आप सभी को जो यहां पे रिजल्ट के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है पहले, ठीक है। एंड उसके बाद आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पे, आपको इसको सेम साइज़ में रख देना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है कलर्स में, फिर ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन में जाकर इसका अमाउंट जीरो करके मर्ज कर देना है, फिर वाइट और नेगेटिव वाले को लेना है। एंड इरेजर टूल में जाकर आपको साइज़ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, यहाँ पे जो गाइस आप साइज़ जो अपने अकॉर्डिंग रख लेना, बाकी हार्डनेस वगैरह भी आप फुल करके भी कर सकते हो, एंड इसको आप हार्डनेस कम करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो फुल में तो गाइस मतलब कि एकदम मतलब कि ज़्यादा डार्क दिखेगा, तो अब इसकी ओपेसिटी जो हार्डनेस जो है इसको कम रखना है, एंड जो साइज़ इंक्रीज़ रखना, ठीक है। हल्का हल्का आपको यहाँ पर रिम लाइट क्रिएट करना है। एंड गाइस अगर आपको रिम लाइट के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में समझना है, तो गाइस इसके ऊपर मैं एक पहले ही प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना। उसमें आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से ये रिम लाइट बनाने में, एंड ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखना का टाइम हो तो इस वीडियो के बाद जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो बाकी गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जो है हम इसकी ओपेसिटी कम रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखेंगे। एंड उसके बाद आपसे को फिर क्या करना है, आप सभी को इतना कर देने के बाद आपको फोटो को कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है। तो इतना यहाँ पे परफेक्ट है। अब मैं इसको यहाँ पे डन कर लेता हूँ। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, आप लोगों को जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक पीएनजी, ठीक है, जो कि गिटार का, ठीक है। इस गिटार के पीएनजी को ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे हैंड में रख देना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं साइज़ वगैरह जो है आप अपने हिसाब से रख लेना मॉडल के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं इतना रखूँगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे इसको, इरेजर टूल ब्रश में जाएंगे। एंड इसके बाद हम इसका जो है हम हार्डनेस फुल करके, एंड जो यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे, एंड जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए गिटार हम वहाँ पे पेंट करेंगे। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो मतलब गिटार भी हाथ में आ चुका है। अब गाइस इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम कर लेंगे डन, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम एक जो स्मोक का पीएनजी मैंने दे रखा है उसको यहाँ पे सिंपली आपको ऐड कर लेना है। आपको जो इसका फुल स्क्रीन करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद इसको नीचे रखना है। एंड जो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट जो दिख रहा है इसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है ताकि थोड़ी ऊपर तक आ जाए। एंड उसके बाद आप सभी को उसको कर देना है डन, ठीक है। अब इसमें गाइस देखिए थोड़ा सा गिटार में जो हमें थोड़ी सी शेडो भी बनानी है, तो उसके लिए आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर लेना है। एंड उसके बाद इसको ऐड पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद स्क्रीन करके आपको रिजल्ट टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश कर लेने के बाद साइज़ को छोटा करना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद हैंड के ऊपर आपको शेडो बनानी है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जब आपकी शेडो वगैरह बन जाएगी तो उसके बाद आप सभी को जो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है, शेडो की। एंड उसके बाद जो आप सभी को यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को जो यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए जो मतलब पिक्सआर्ट का जितना भी काम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसको फिलहाल सेव करते हैं, इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में ताकि इसको रिटच करके हम और भी ज़्यादा अच्छी बना दें। तो अभी हमने इसको लाइटरूम ऐप में ऐड कर रखा है पहले से ही। तो आप सभी को करना है कि आपको जाना लाइट वाला ऑप्शन में, इसका पहले से कॉन्ट्रास्ट इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, शेडो को इंक्रीज़ करना है। एंड जो वाइट है ब्लैक है इसको पहले बढ़ा देना है, एंड जो वाइट है इसको कम कर देना है।
फिर आपको चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड जो टेम्परेचर है उसको चाहो थोड़ा कम कर सकते हो। फिर आपको जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर लेना है, इसका सैचुरेशन आपको इंक्रीज करना है, ल्यूमिनस भी बढ़ा देना है। फिर इसका जाना येलो कलर में, आपको जो इसका ह्यू है इसको माइनस की तरफ रखना है एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डार्क ब्लू में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, कर देना है डन। फिर जाना आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरिटी को इंक्रीज करना है, फोटो में विग्नेट डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, नोट ऑप्शन बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली जो हमारी फोटो है यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।